गाइज देखो, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बेनिफिशियल होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि आज की वीडियो में थोड़ा सा एक यूनिक मेथड मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अर्निंग करने का, जिससे आप लोग एक बहुत ही अच्छी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे उसमें देखो हमको करना क्या है, हमको फेसबुक का यूज़ करना है एंड हमको एक कॉपी पेस्ट मेथड है जो फॉलो करना है। सिंपल सा मेथड है, ठीक है। मैक्सिमम एक घंटे में आप लोग इस मेथड को सेटअप कर सकते हैं एंड उसके बाद देखो आपको डेली यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देना होगा, हाफ एन आवर टू वन आवर अगर आप इस पर्टिकुलर काम को दे देते हैं ऑन दी डेली बेसिस, तो आप बहुत ही अच्छी अर्निंग यहाँ से कर पाएंगे। इवन देखो यहाँ पे कोई भी ऐसी मतलब एज का क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी इसको फॉलो कर सकता है, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आप इस चीज़ को फॉलो करके अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप और कहीं भी जॉब करते हैं एंड साथ में एक पार्ट टाइम एक अच्छा सोर्स ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको कम टाइम लगा करके एक अच्छा आउटपुट मिले, एक अच्छी अर्निंग आपकी जनरेट हो, तब भी आप ज़रूर इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ साथ देखो अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल फ़ोन है, डेस्कटॉप लैपटॉप नहीं है, तब भी आप आसानी से इस मेथड को फॉलो कर पाएंगे। क्योंकि देखो हम सभी को पता है फेसबुक हम लोग सभी डेली बेसिस पे अपने मोबाइल फ़ोन्स में चलाते हैं, तो सिंपल सा ये प्रोसेस होने वाला है। मैं चाहूँगी आप लोग इस प्रोसेस को ज़रूर देखें एंड थोड़ा सा यूनिक भी है। दूसरी बात कि कोई मोनोटोनस प्रोसेस नहीं है इसमें, वन टाइम सेटअप है, वन टाइम सेटअप करने के बाद बस थोड़ा सा आपने डेली बेसिस पे इसको थोड़ा सा टाइम देना है, ठीक है। एंड बहुत ही अच्छी अर्निंग आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। सो हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है निशा और आप देख रहे हैं बेस्ट इनकम सीक्रेट्स। सो गाइस चलिए अब देर न करते हुए मैं आपको ले चलती हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर एंड आपको बताती हूँ उसका सारा प्रोसेस। सो गाइस देखो, सबसे पहला स्टेप आपका इस प्रोसेस में ये है कि आपने आना है इस वेबसाइट पर जिसका नाम है फाइवर एफिलिएट्स। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उसके थ्रू आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं एंड इस प्लेटफॉर्म पे आपने साइन अप कर लेना है। आपने अपनी सिंपल सी डिटेल्स यहाँ पे दे करके अपना एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद देखो गाइस आपने फिर यहाँ पे लॉगिन कर लेना है अपने एफिलिएट प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल करके यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सो गाइस देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड हमारा ओपन हो चुका है, अभी हमें इसको रहने देना है, ठीक है। अभी हमें फॉलो करना है अपना सेकंड स्टेप। इसमें आपने क्या करना है, फाइवर पर आना है आपने। एक्चुअल में ये फाइवर जो एक प्लेटफॉर्म है, ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारी तरीके की फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब देखो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है इसको, ठीक है। आपने यहाँ पे कोई भी एज अ फ्रीलांसर काम नहीं करना है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है जो आपने इस वेबसाइट के थ्रू अकम्प्लिश करना है एंड इसको करने के बाद आप एक बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू यहाँ पे ज्वाइन करके कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ आपको अपनी प्रोफाइल डिटेल्स, बेसिक सी डिटेल्स देनी होती है, तो उन डिटेल्स को दे करके आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। अब गाइस थोड़ी देर में हम लोग को पता चलने वाला है कि ये जो प्लेटफॉर्म है या इस पे हमने क्यों साइन अप किया है, ये किस तरीके से हमारे लिए इस प्रोसेस में मतलब बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। अभी हमें फॉलो करना है अपना थर्ड स्टेप एंड थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि हमें जाना है फेसबुक पर, ठीक है। अब फेसबुक का काम स्टार्ट होता है हमारा। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सर्च बार पे आना है एंड आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है कॉन्टेंट राइटर, ठीक है। एंड यहाँ पे आपने देखो ये पोस्ट वाला जो है इसको आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे काफी सारी पोस्ट दिखाई देंगी जो कि रिलेटेड टू कंटेंट राइटर होंगे। अब देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप कंटेंट राइटर ही सर्च करो, यहाँ पे देखो एक टिप मैं आपको दूंगी कि आपको क्या करना है, आप फाइवर पे जाओ, ठीक है। वहां पे आपको जितनी भी अलग अलग सर्विसेज मिलती है उनको, उनके नेम को आप कॉपी करो एंड यहाँ पे आप सर्च करो, ठीक है। अब क्यों आप सर्च करोगे वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपने देखो क्या करना है, जैसे यहाँ पे एक पोस्ट आपको मिल गई, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है यहाँ पे किसी बंदे की कि उसे कंटेंट राइटर चाहिए। ऐसे ही देखो हम यहाँ पे दूसरी पोस्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे भी क्या है देखो, वीडियो एडिटर, कंटेंट राइटर, इनकी रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे आपको बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे मिल जाएंगी जो कि कंटेंट राइटर की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड होंगी। अब आपने देखो क्या करना है, आपने जाना है यहाँ पर फाइवर पर, फाइवर का अकाउंट अपना ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर आपने उस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड फ्रीलांसर सर्च कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप टाइप करोगे कंटेंट राइटर, सो गाइस देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको काफी सारी सर्विसेज यहाँ पे मिलेंगी रिलेटेड टू कंटेंट राइटिंग। तो ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, आई थिंक ये इंडिया से ही है, ठीक है। एंड ये एक कंटेंट राइटर है, आर्टिकल राइटर है जो कि SEO ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट राइटिंग करते हैं एंड इनका जो प्राइस है ये भी काफी अच्छा है, 418 रुपीज से इनकी सर्विस स्टार्ट है, ठीक है। ऐसी आप देख सकते हो बहुत सारे आपको यहाँ पे फ्रीलांसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। कोई 800 में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई 400 में, कोई 1200 में, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो आपने खुद से तो कुछ भी कंटेंट नहीं लिखना, आपने सिर्फ उन लोगों को जो कि कंटेंट राइटर्स फाइंड कर रहे हैं,
ठीक है, जिनको कंटेंट राइटर्स की जरूरत है उन लोगों को इन फ्रीलांसर्स से मिलवाना है। एंड ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी तो ये सिर्फ एक डोमेन की मैं बात कर रही हूँ, कंटेंट राइटिंग। ऐसी आप बहुत सारे डोमेन सर्च कर सकते हो ऑन फेसबुक जिनकी लोगों को रिक्वायरमेंट है। तो आपने क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे आना है एंड लेट सपोज कि हम इसको चूज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम इस पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे इनके सारे पैकेजेस वगैरह की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, इवन यहाँ पे इनके रिव्यूज भी दिए हुए हैं, तो ये रिव्यूज भी वो लोग देख सकते हैं इनको हायर करने से पहले। सो गाइज देखो, हमको करना कि हमको यहाँ पे ऊपर आना है इस एड्रेस बार में, ठीक है, एंड इसको हमने कॉपी कर लेना है, इस पूरे लिंक को हमने कॉपी कर लेना है। एंड अब हमें फॉलो करना है अपना फोर्थ स्टेप, जिसमें हमें क्या करना है, हमें जाना है अपने फाइवर के एफिलिएट डैशबोर्ड पर एंड यहाँ पे हमने जाना है मार्केटिंग टूल्स के अंदर एंड हमने क्लिक कर लेना है यहाँ पे डिफॉल्ट एंड डीप लिंक्स पर। अब हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है, देखो यहाँ पे LP URL लिखा है, इस पर हमने क्लिक कर देना है, ठीक है, एंड इस टेक्स्ट बॉक्स में हमने अपना वो लिंक पेस्ट कर देना है, ठीक है। सो गाइस देखो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे काफी सारे अफिलियट लिंक्स यहाँ पे जनरेट हो गए हैं जो कि उस पर्टिकुलर सर्विस से रिलेटेड है, यानी कि अगर हम इन लिंक्स को सर्च करेंगे तो हमारे लिए वो पर्टिकुलर सर्विस ओपन हो जाएगी जो हमने, जिसका लिंक हमने कॉपी करा था, बट वो लिंक हमारा एफिलिएट लिंक नहीं था, हमने उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करा, ठीक है, एंड उसे अपने एफिलिएट लिंक में कन्वर्ट कर दिया। अब आता है हमारा फिफ्थ स्टेप, फाइनल स्टेप, जिसमें हमने क्या करना है, देखो हमने इनको कॉपी कर लेना है, ठीक है, जैसे ये वाला जो लिंक है इसे हमने कॉपी कर लेना है, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है, एंड फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे जाना है अपने उस पोस्ट पर जिसपे कॉन्टेंट राइटर की रिक्वायरमेंट थी। सो गाइस देखिए, जैसे कि हमारी ये फर्स्ट पोस्ट थी तो इसमें रिक्वायरमेंट थी कंटेंट राइटर की, आपने यहाँ पे खुद से अप्लाई नहीं करना है, आपने क्या करना है, आपने इनको एक रिकमेंडेशन देनी है, आपने अपना लिंक यहाँ पे डालना है जिसमें आप इनको उस पर्टिकुलर फ्रीलांसर को रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ पे कुछ भी अच्छा सा, मतलब आपने यहाँ पे कुछ भी अच्छा सा अच्छी सी लाइन्स यहाँ पे लिख देनी है, मतलब जिससे कि इनको लगे कि यस, जो आपने इनको रिकमेंड किया है जो पर्टिकुलर फ्रीलांसर, उससे काम करवाना वर्थ इट है। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि बेस्ट फ्रीलांसर यू कैन वर्क विद एट अ नेगोशिएबल प्राइस विद अ 5-star रेटिंग, एंड फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने उस लिंक को पेस्ट कर देना है। एंड गाइस देखो, एक चीज और, ये जो लिंक है यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, काफी लंबा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरे जो लिंक शॉर्टनर प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनका यूज कर सकते हैं, जैसे बिटली हो गया, तो हम बिटली के थ्रू इसका लिंक शॉर्टन कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर शॉर्टन लिंक को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ऐसे ही आपने बाकी की पोस्ट के लिए भी कर रहे हैं, जो जो आपके पर्टिकुलर काम से रिलेटेड है यहाँ पे, उनको आप चूज करें, ठीक है, एंड उन सब में आपको यहाँ पे कॉमेंट करना है। सो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से मैं अपने डैशबोर्ड पे गई हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी अभी मतलब मैंने ये जो लिंक है पेस्ट किया है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो 10 क्लिक्स अभी अभी मेरे लिंक पे यहाँ पे हो चुके हैं। तो इन सभी लोगों में जो भी आपके लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, अगर एक भी आपकी जो सर्विस है वो परचेज कर लेता है उस पर्टिकुलर फ्रीलांसर से, आप यहाँ पे बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं एंड वो भी पैसिवली। तो ये सिंपल सी 5-step स्ट्रेटेजी थी, मैं चाहूंगी कि आप लोग जरूर इसको एक बार ट्राई करें। इन सभी प्लेटफॉर्म्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, तो वहां से जाकर के आप इन प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस कर सकते हैं, इन पर रजिस्टर कर सकते हैं। सो गाइस आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, इसका पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, बट अगर स्टिल आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो मैं चाहूंगी जरूर आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलते रहें रिलेटेड टू ऑनलाइन अर्निंग। सो गाइस इतना ही था फिर आज के वीडियो के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप टू सी नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।